मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो, हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है, हिंदुस्तान का संविधान। ये जो है, इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। प्रेस के हमारे मित्रों, कहना पड़ता है मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। 24 घंटा उनका काम करते रहते हैं, इन बेचारों की गलती नहीं है। इनको सैलरी की जरूरत है तो जो इनसे कहा जाता है ये करते हैं। मालिक इनके अदानी हैं, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपकी 250 गाड़ियों को रोका गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी, और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने दो मित्रों का नाम ले लिया कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने नाम लिया। अच्छा, उनको यह भी मालूम है कि अदानी जी कौन से टेम्पो में और कैसे पैसा भेजते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रधानमंत्री जी का टेम्पो वाला। तो भाइयों और बहनों, अब बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह आपके ध्यान को इधर उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। अगले 10-15 दिन में आप देखना, ये आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश करेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। आपको भटकना नहीं है। हिंदुस्तान के चुनाव में एक ही मुद्दा है, उस मुद्दे से सारे के सारे मुद्दे निकलते हैं। मुद्दा भाइयों और बहनों ये है, हिंदुस्तान का संविधान।
ये जो है इस किताब ने हिंदुस्तान के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को अधिकार दिया है। जो भी आपको मिला है, चाहे वो वोट हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, नौकरी हो, जमीन हो, जो भी आपको हक मिले हैं, इस किताब ने आपको हक दिए हैं। ये गांधी जी और अंबेडकर जी की देन है और बीजेपी ने मन बना लिया है कि अगर वो चुनाव जीते तो वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को रद्द करने जा रहे हैं। और मैंने और अखिलेश जी ने निर्णय ले लिया है कि इस किताब को बीजेपी छोड़ो, दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं छू सकती है, क्योंकि इस किताब में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की आत्मा है, भावनाएं हैं, भविष्य है, विकास है। नरेंद्र मोदी जी 22 लोगों के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, 22 लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को दिया है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नरेंद्र मोदी जी ने कितना कर्जा माफ किया है? किसानों का नहीं किया, मजदूरों का नहीं किया, बेरोजगार युवाओं का नहीं किया, 22 लोगों का किया। हालत यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास है। आप सोचिए, स्टेज में पहली लाइन में तकरीबन 22 लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान में ऐसे 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह है नरेंद्र मोदी जी का काम। तो हमने निर्णय ले लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने, कि अगर वो 22 अरबपति बना सकते हैं तो हम करोड़ों लाखपति भी बना सकते हैं। भाई और बहनों, गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट